अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बैठा ये सोच रहा था कि आज से 3-3.5 साल पहले डॉक्टर मरियम मलिक ने कहा कि डॉक्टर साहब साउथ पंजाब में सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और जाहिदा जो है वो बड़ी एक सेल्फलेस वर्कर है, तो क्यों ना साउथ पंजाब जो ज़हनी तौर पे पसमानदा नहीं है। मैं चूँकि हाई अचीवर बच्चों को और मुख्तलिफ ग्रुप्स को ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, तो मैं दो जगह के बच्चों के हवाले से मुझे बड़ी खुशी होती है साउथ पंजाब ख़ास तौर पे, और ओकाड़ा से जो बच्चे आते हैं वो बड़े शानदार हैं बहुत। तो पसमानदगी जो है वो दो तरह की होती है, एक तरक्की के वो मेयार जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ढूंढते हैं, बड़े बड़े मकान, अच्छे अच्छे कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मोटरें और सड़कें, और एक पसमानदगी ज़हनी पसमानदगी होती है। बड़े शहरों में आपको पहली जो चीज़ें हैं वो बहुत बहुतात से और कसरत से मिलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े शहरों में ज़हनी पसमानदगी बहुत ज़्यादा है, अपनी नाक से आगे देखना शायद मुश्किल है। तो साउथ पंजाब जो है ये इस हवाले से बड़ा एक ख़ूबसूरत खिता है कि जहाँ पे लोगों में जुरत है, हिम्मत है, सलाहियत है और आगे बढ़ने की ख्वाहिश और कोशिश करने का जज्बा मौजूद है। और इसकी वाज़ मिसाल मैं अभी डॉक्टर मरियम साहबा से ये बात कर रहा था कि जब पहली ट्रेनिंग हमने करवाई तो हमें नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है, ठीक है। और सुबह सुबह आके मुझे याद है कि डॉक्टर मरियम ने सारी अरेंजमेंट जो है वो उसको उलट पलट कर दिया कि ऐ किए ये तो ठीक नहीं है, इसको इस तरह कर दें, इसको इस तरह कर दें, इसको इस तरह कर दें। तो हमने उसको अनडू किया और फिर रीडू कर दिया थोड़ी देर में, और फिर हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई और शाम तक हम बड़े मुतमइन थे कि ट्रेनिंग बड़ी अच्छी तरह से कम्प्लीट हो गई है। वाज़े तौर पर मैं ये कहूँगा कि उसमें SSP की टीम और इनके जो सरपरस्तान हैं एजाज शाह साहब यहाँ पे हैं, सिबरा साहब नहीं हैं, सईद साहब और दीगर लोग, और ये टीम जो जिसको जायदा, आसिफ और बाकी दोस्त लीड करते हैं, इन सब ने एक बेहतरीन काम यहाँ पे पहले से भी किया हुआ था और उसके बाद भी इस काम को आगे बढ़ाया। दूसरी चीज़ जो जिसने बड़ी मुझे एनकरेजमेंट दी वो ये थी कि गुज़श्ता 8-9 माह पहले, तकरीबन 1 साल पहले ही ओन अब्बास साहब से और फारूक ज़ुबैर साहब से यहीं पे मुलाकात हुई, और वो मुझे लगा कि एक गेम चेंजर है मुल्तान और इससे मुल्हिका जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ओन अब्बास साहब ने जब गुफ्तगू शुरू की, जाहिदा ने मेरा तारुफ करवाया, मुझे उन्होंने साथ बिठा लिया, और उसके बाद उनकी पूरी तवज्जो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फंक्शन पे, वुमन विद डिसेबिलिटी के साथ अपने आप को रिलेट करने में। मैंने देखा कि एक दो बड़े अच्छे लोग, उनसे उन्होंने उस दौरान बात करने की कोई कोशिश की तो उन्होंने उनकी हौसला अफजाई नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन जो है वो जा चुकी थी वुमेन विद डिसेबिलिटी के हवाले से। तो उसी वक्त वो उन्होंने ज़्यादा से भी कहा, मुझसे भी, क्योंकि डॉक्टर मरियम उस दिन तशरीफ़ नहीं ला सकी तो उनकी बात हो रही थी, तो उसी वक्त ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर मरियम से मेरी बात करवाएँ, और उसी वक्त डॉक्टर साहब से बात होगी। और फिर तो मैं समझता हूँ कि बजा तौर पर ओन अब्बास साहब मुस्तहिक हैं, इस्तेकाक रखते हैं कि उनकी तौसीफ़ की जाए और उनके लिए दुआ की जाए,
कि वो पाकिस्तान बैतुल माल में जिस तरह पर्सन विद डिसेबिलिटी के यहाँ पे बहुत ज़्यादती हो जाएगी कि अगर मैं फारूक ज़ुबैर साहब का नाम ना लूँ और इनकी जो मोहब्बत है अंडर प्रिविलेज तबकात के साथ, वो लोग जो किसी इस्तेसाल की वजह से माशरे में समाज में पीछे रह गए, उनके साथ इनका दिल धड़कता है। और मेरी इनसे जो 3-4-5 मुलाकातें हुई उसमें फोकस ये है कि किस तरह हम इस तरह कुचले हुए पिसे हुए तबकात की रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम दें, उनको हौसला दें और उनके लिए जो मुमकिन है वो हम कर गुजरें। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास इस तरह की लोकल, अब लोकल तो नहीं रही, पाकिस्तान लेवल की लीडरशिप मौजूद है जो आपके लिए और दूसरे इस तरह के अहबाब के लिए सोचती है। यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि एक और तस्करा करना बहुत ज़रूरी है। अतीक साहब जो हैं हमारे रीजनल मैनेजर हैं अखुवत के, और अखुवत के हवाले से गुफ्तगू ये करेंगे, लेकिन मैं मुख्तसर बताता हूँ कि पूरी दुनिया में पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई लोन नहीं देता। अखुवत दुनिया का वाहिद इदारा है जो ऐसे अफराद बाहम मजदूरी को छोटे कर्जे देता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। अखुवत का पोर्टफोलियो ये है कि 10,000 से शुरू होने वाला ये प्रोग्राम अब तक 100 अरब रुपए जो है 40 लाख ख़ानदानों में रिवॉल्व कर चुका है, तकसीम करके और वापस ले चुका है, और वापसी की शरह 99.9% है। लेकिन आप अपने लिए ज़रूर तालियां बजाइएगा कि अफराद बाहम मजदूरी की वापसी की शरह 100% है, करीबन 30,000 अफराद बाहम मजदूरी को ये छोटे कर्जे दिए गए और उन्होंने 100% पूरी ईमानदारी के साथ ये पैसे वापस किए। मैं किसी फोरम पे भी जब ये बात करता हूँ तो कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता कि अफराद बाहम मजदूरी और 100% वापसी की शरह, ये इसके बारे में दूसरे सेशन में अतीक साहब आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप लोग जो हैं इस रीजन में जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में आए हैं इसमें कितनी ब्रांचेज हैं और आपको क्या सहूलत जो है वो अखुवत मुहैया कर रही है, और ख़ुसूसन वुमेन विद डिसेबिलिटी के लिए वो इस काम को कैसे आगे बढ़ाएगी, क्योंकि ये ड्रीम है डॉक्टर मरियम मलिक की कि आप 350 की 350 ख्वातीन को कोई ना कोई काम करना है, अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, उनको ये हौसला देना है कि आप ये काम कर सकते हैं। वो है ना कि हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना जो अपने दुख थे बहुत ला दवाना थे। देखें कोई एक सोचता है, जिस तरह हमने सोचा कि यहाँ पे एक काम शुरू किया जाए और फिर ये ट्रांसलेट होता गया, इतना इतने ज़्यादा लोग आ गए। किसी ने ख्वाब देखना है, किसी ने सोचना है, किसी ने काम को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर मरियम मलिक की आज पीछे बड़ी बहुत अच्छी सी एक तस्वीर लगी हुई थी, सुबह आके पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया, फिर मैंने शाह साहब को कहा कि साड़ी भी छोटी जी नुकर तलवा देनी सी, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब इस लेवल पे जब आप आएंगे तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा कर दिया, मैंने कहा चलो किसे भी के आए ना। तो गुफ्तगू चलती रहेगी, चूँकि इस सेशन को हमने कंक्लूड करना है। मैं सिर्फ वो एक नगमा है, हम आज भी सुन रहे थे कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। बिलाशुबा इन सारी दादो तहसीन में अगर कोई इस्तेकाक रखता है, अगर किसी की तौसीफ़ की जानी चाहिए, अगर किसी की तहसीन की जानी चाहिए, अगर किसी को एज ए रोल मॉडल लेके जाया जाए तो वो आप लोग हैं। आपने जिस तरह समाज की दीवारों को गिराया, जिस तरह आपने हौसले की एक नई तहरीक हमारे सामने आज पेश की, जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी बदलने का अज़्म सच साबित कर दिखाया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक खुशगवार रोशन सुबह है और ये पूरी दुनिया की ख्वातीन को एक पैगाम देने जा रही है कि हम आप हमारे साथ
تعاون کریں، آپ ہمارے ساتھ محبت کریں، آپ ہمارے ساتھ ہمارے رستے کی رکاوٹوں کو دور کریں، ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ بے حد شکریہ۔میں بہت جگہ جاتی ہوں، ظاہر ہے میری جاب ایسی ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں، لیکن جتنی خوشی اور تسکین مجھے یہاں پہ آ کے آپ لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، میں دل سے کہہ رہی ہوں یہ بات، اتنی مجھے کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ سو آئی ایم ریئلی ویری ہیپی کہ آج ہم یہاں پر آپ سب لوگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ 2016 میں یہ ایک ویژن تھا، مجھے کہا گیا کہ پنجاب میں آپ نے ایک ڈسیبلٹی پہ میٹنگ کرنی ہے، اور کہا گیا کہ لاہور میں اباری ہوٹل یا پی سی بربن میں ایک میٹنگ آرگنائز کریں، اور سارے پنجاب سے جو لوگ ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، یا ہر ڈسٹرکٹ سے ایک ایک دو دو لوگوں کو بلائیں اور ڈسیبلٹی پہ ایک میٹنگ کریں۔ لیکن میں نے سوچا کہ جو ایک میٹنگ میں پی سی یا اباری لاہور کے 5-star ہوٹل میں کراؤں گی، اگر وہی پیسہ میں یوٹیلائز کروں اور ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے، وہ بھی صدر پنجاب کے، جہاں پہ کبھی بھی اس قسم کی کوئی میٹنگ آرگنائز نہیں ہوئی، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ اس ایک میٹنگ کے بدلے ہم نے 10 ڈسٹرکٹس میں آرگنائز کی ویمن ود ڈسیبلٹی کے امپاورمنٹ اور سیلف ہیلپ گروپس بنانے کے لیے، اور یہ ایک اتنا خوبصورت ماڈل بنا جس کی رپورٹ جب ہمارا جو ریجنل آفس ہے وہ مصر میں ہے، اور جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے وہ سوئٹزرلینڈ جنیوا میں ہے، تو اس چیز کو ایک رول ماڈل بنا کے دوسرے جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا کامیاب تجربہ پاکستان میں ہوا۔ کیونکہ نہ صرف ہم نے یہاں پہ کیا، بلکہ سندھ کے بھی 10 ڈسٹرکٹس میں ہم نے یہی ایگزیکٹلی ایکٹیویٹی کی۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے، اور یہ میں نے بہت جگہ کوٹ کیا، ابھی آئی واز ان چائنا، تو بہت بڑی وہاں پہ ایک میٹنگ تھی، گلوبل کانفرنس تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے پہلا دن جب ہم ملتان میں پہلی ورک شاپ ہم کنڈکٹ کر رہے تھے، اور میٹنگ شروع ہونے سے پہلے جو پہلا ایکٹیویٹی تھی وہ یہ تھی کہ سب کے آگے میں نے مائک رکھا اور کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں زندگی سے۔ ایک بچی تھی جو کہ مجھے کبھی نہیں بھولتی، اور اس کی وہ بات میرے دل میں پرنٹ ہو گئی۔ میں نے مائک دیا اور آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ وہ کہے گی کہ جی میں سیکھنا چاہتی ہوں، یا میں نالج گین کرنا چاہتی ہوں، یا میں، بٹ واٹ شی سیڈ واز میں مرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک ایسی بات تھی کہ جس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایٹ لیسٹ میرے، بیکاز میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ مجھے یہ جواب ملے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، میں یہ بات کیوں کہی ہے، کہتی مجھے پٹھوں کی کمزوری کی بیماری ہے، میں چل نہیں سکتی ہوں، 20 ہو گئے میں دیکھ رہی ہوں، میرے بھائی کو بھی یہی بیماری ہے، میری ماں ہمیں کندھوں پہ اٹھاتی ہے، ہمیں غسلخانے میں لے جاتی ہے، کندھے پہ اٹھاتی ہے، واپس لے کے آ جاتی ہے، اور اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ خیر وہ 2 گزرے، اس میں ہم نے پراپر ٹریننگ کی ان بچیوں کی، اور بہت مجھے خوشی ہے کہ مجھے نظر آ رہی ہیں یہاں پہ کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی جو کہ اس ٹریننگ کا حصہ تھی۔ اور جب 2 گزر گئے تو 5 ہماری ٹریننگ ختم ہوئی، تو میں نے پھر سب کے آگے مائک رکھا، میں نے کہا آپ بتائیں کہ اب آپ میں کیا کچھ آپ کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، یا کوئی چیز ایسی جو آپ پہلے نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور ابھی ہم یہ کریں گے۔ تو جب اس بچے کے پاس میں مائک لے کے آئی تو میں تھوڑا سا پریشان تھی کہ پتہ نہیں اس نے کیا سیکھا ہے، اور ہماری کتنی کامیابی ہے اس بچی کی سوچ کو بدلنے میں۔ اور جب مائک رکھا تو وہ بچی آل ٹوگیدر ایک نئی سوچ تھی اس کی، خوش تھی وہ، امید تھی اس میں، میں واپس جاؤں گی، میں سیلف ہیلپ گروپس بناؤں گی، میں یہ کروں گی، میں ان سے بات کروں گی۔ سو اس 2 کی میٹنگ سے ایک اتنا بڑا اس کی سوچ میں تبدیلی آئی، اور میرے خیال سے یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی تھی کہ ایک نا امیدی، مایوسی
कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं एक बोझ हूँ, उस सोच को चेंज करते हैं कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे में वो ताकत है, आई हैव द पोटेंशियल, मेरे पास वो कैपेसिटी है, मैं कर सकती हूँ। और उसने उस पॉजिटिव सोच को, मुस्बत सोच को अपनाया और अभी भी वो माशाल्लाह, आज वो मुझे नज़र नहीं आ रही, वो माशाल्लाह उसकी शादी हो गई है। सो कहने का मकसद ये है कि ये और जो मेरी सोच है वो ये है कि ये एक नॉर्मल ट्रेनिंग सेशन नहीं होना चाहिए कि जैसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, ट्रेनिंग कराई और चल दिए जी, बस हो गई ट्रेनिंग। बार बार जो हमारा WHO का, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक मौकफ है वो ये है कि आउटकम एक लफ्ज़ होता है कि हासिल क्या किया हमने इससे। जैसे आज की जब आप सब लोग आए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सुने हमें और उसके बाद देन आप चले जाएँ, यू नो दिस इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव, ये नहीं है हमारा मकसद नहीं है। मेरी इजहार साहब से भी बात हुई, अख़ुवत के अतीक साहब हैं यहाँ पे, ज़ुबैर साहब हैं बैतुलमाल के, मैंने ज़ाहिदा को ये बोला कि हमें, मुझे एक लिस्ट चाहिए कि कितनी ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं। हम ट्रेनिंग्स कराएंगे उनको, लेकिन वो एक छोटा बिजनेस क्या करना चाहती है, वो उनके दिमाग में क्या है वो, कि वो खुद एम्पावर हो कि जी हाँ हम कमा रहे हैं, हम बोझ नहीं हैं। और ये आप लोगों में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक विमेन विद डिसेबिलिटी जो है, दे कैन डू दैट, वो कर सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान में जब जलजला आया तो पलक झपकने में, जैसे पाकिस्तान में भी हुआ था, लोगों के उन पे छतें गिरी और दरख्त गिरे और उनकी कमर की हड्डी टूट गई और पैरालाइज हो गई, और एक गांव से तकरीबन 25 औरतें जो हैं वो व्हील चेयर पर आ गई एकदम से। सुबह ठीक थी, दोपहर में जलजला आया और विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड उनको जो है पैरालाइज हो गई, उनकी आधा जो जिस्म है वो काम करना छोड़ गया, व्हील चेयर पर आ गई। उन औरतों ने क्या किया, हौसला नहीं हारा, उन्होंने मिल के कर्जे लिए और एक बेकरी बना ली अपने लिए, और उस बेकरी से उन्होंने ब्रेड और जो भी बेकरी आइटम्स होते हैं वो बनाने शुरू कर दिए और उनका बिजनेस चल पड़ा। और अभी ईरान के एक छोटे से गांव से वो बिजनेस शुरू हुआ है और अब वो शहरों में चला गया है। तो कहने का मकसद ये है कि एक अल्लाह की तरफ से एक चीज आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरा आप लोगों से एक दरख्वास्त ये है कि प्लीज़ आप लोग जो करना चाहते हैं, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप आगे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं आप। मेरी अभी ऑन साहब, माशाल्लाह वी आर वेरी लकी कि हमें ऑन साहब जैसा बंदा जो बैतुलमाल के MD मिले हैं, फिर आगे उनकी टीम में ज़ुबैर साहब जैसे बंदे मौजूद हैं। आप हमें सिर्फ बताएं कि आप पढ़ना चाहती हैं, ये आगे हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोग को स्कॉलरशिप दें, हम किस तरह देंगे, क्या होगा, सब कुछ हम आपके वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों की तरफ से आनी चाहिए। एक जब हम बात करते हैं, सप्लाई और डिमांड की बात होती है, नीड और डिमांड की बात होती है, तो जो डिमांड है वो कम्यूनिटी की तरफ से आनी चाहिए। इजहार हाशमी साहब हैं हमारे पास, इतना इनका बेतहाशा काम है, अख़ुवत में इन्होंने काम किया, पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट में अमेजिंग, मतलब शायद ये ना होते तो हम ये एक्टिविटीज़ ना कर पाते ना पंजाब में ना सिंध में। ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से इनिशिएटिव आप लोगों ने करना है, हमें बताएं आप। और अगर आज जाने से पहले वी वुड वॉन्ट कि हमारे पास लिस्ट हो कि हाँ जी हम अख़ुवत से कर्जा लेना चाहते हैं, बाकी हम फैसिलिटेट करेंगे, चाहे आपके घर में आके फॉर्म्स देने पड़े। वो भी अभी अख़ुवत के भी अतीक साहब भी आप लोग को, वो अभी उनकी स्पीच थी तो मैंने कहा नहीं, उनका एक अलहदा सेशन रखें जिसमें वो डिटेल में बात करें, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप लोग को समझाएं कि वो कर्जा अगर आप लेना चाहते हैं तो वो किस तरह लेंगे आप लोग को कर्जा। सो ये हमारी एक लिस्ट एक इंशाल्लाह बनेगी बिफोर यू लीव कि कौन कर्जा लेके अपनी बिजनेस शुरू करना चाहता है, छोटे पैमाने में बिजनेस शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाएगा। कौन बच्ची जो पढ़ना चाहती है, जॉब्स की प्लेसमेंट, एब्सोल्युटली। सो जॉब्स आगे फिर वो हमारी जिम्मेदारी है,
ये बड़ी तकलीफ दे बात है एंड वी नो दैट कि हम लोग एम ए डबल डिग्रीज हैं, डबल मास्टर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन जॉब्स और जो जिस मेहनत से और जिस एफर्ट के साथ वुमेन विद डिसेबिलिटीज और या वुमेन विद डिसेबिलिटीज जो हासिल करते हैं तालीम, वो बहुत वो उनकी एक स्ट्रगल है. लेकिन जब हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं और जॉब्स की बात करते हैं तो उनको नहीं मिलती है. लेकिन आपको एक अच्छी बात मैं ये बताऊँ कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है गवर्नमेंट में. मेरी कल प्रेजिडेंट हाउस में मीटिंग थी और मेरे ख्याल से ये मेरी 8वीं मीटिंग हुई है वहाँ पे, जिसमें प्रेजिडेंट साहब खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में, उनकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं. और मेरी ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह दिसंबर में मैं उनकी वाइफ को यहाँ पे लेके आऊँ और वो भी देखें आके कि कितना जो है पॉजिटिव चीज़ एक वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ का कितना बड़ा रोल है. क्योंकि जब हम सदर पंजाब की बात आती है तो कहते हैं सदर पंजाब में तो कुछ भी नहीं, वहाँ पर मौके नहीं है, कुछ नहीं है. लेकिन आप लोगों को जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, तो आप लोग तो माशाल्लाह आप एक होप और एक उम्मीद जो है वो आप लोग के चेहरे से आया है. तो आगे बढ़ना है, डिसेबिलिटी माजूरी को अपनी राह में रुकावट नहीं बनाना. दिस शुड बी योर मोटो, ये आपका मोटो, आपका मकसद है हयात, आपकी ज़िंदगी का एक असूल होना चाहिए. नहीं बैठना ये सोच के मुझे डिसेबिलिटी है, मैं विमेन में डिसेबिलिटी यू नो, या मेरा ये मसला है और ये नहीं हो सकता. ज़ायदा देखें हमारे सामने मौजूद है, इंटरनेशनली लोग इसको जानते हैं, अभी ज़ायदा को दुनिया में लोग जानते हैं कि जी एक ज़ायदा है सदर पंजाब में है और वो कितना बड़ा काम कर रही है. उनकी स्ट्रगल भी ऐसी ही किसी एक दिन शुरू हुई थी, मतलब ये नहीं था कि थ्रू आउट, और इसी से कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगलिंग, मतलब पहला एक स्टेप लिया उसने और वो पीछे नहीं हटी और आगे बढ़ती गई. और अब उसकी माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग टीम उसके साथ मौजूद है जो कि उसके साथ है, और वी आर रियली प्राउड ऑफ ज़ायदा एंड हर टीम फॉर द वर्क जो कि काम वो यहाँ पर जो है सदर पंजाब में कर रही है. तो मैं आपसे बार बार, मेरे अगले सेशन में भी मेरी बातचीत आप लोगों से होगी, लेकिन हम सदर पंजाब को एक मॉडल बनाना चाहते हैं. मॉडल इन अ सेंस कि यहाँ की वुमेन एंड डिसेबिलिटीज इज नॉट गिवन अप, हथियार नहीं डाले उन्होंने, दे आर फाइटिंग, लड़ रही हैं, यू नो, जद्दोजहद कर रही हैं और वो आगे बढ़ना चाहती हैं. आगे मेरा काम है ये कि इसको मैं प्राइम मिनिस्टर लेवल तक लेके जाऊँ या मैं इसको प्रेसिडेंट लेवल तक लेके जाऊँ, इसको मैं इंटरनेशनली लेके जाऊँ, वो मैं इंशाल्लाह अभी भी लेके जा रही हूँ और आइंदा भी लेके जाऊँगी. क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है आप लोगों की, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का मकसद ही ये है. अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आए कि वाई एक विजन था कि जी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होने चाहिए, अब इंशाल्लाह बलूचिस्तान और केपी में भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में, सिंध में भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये काम. ऑब्जेक्टिव ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ये है कि आप अपनी इंडिविजुअल अपनी ज़ात से निकल के इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोचते हैं. ठीक है, एक ग्रुप जब बन जाता है तो एक एक होता है, और फिर हम कहते हैं कि चीज़ जब एक से दो 11 होते हैं जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, तो उसका मकसद यही है कि जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं आप स्ट्रांग होते हैं, आप अपने हकूक की बात करते हैं, आप ना सिर्फ अपने आप से बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, कम्युनिटी से बात करते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं. दुनिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने रेवोल्यूशन लेके आए हुए हैं बहुत से मुल्कों में, टू एन एक्सटेंट के इन्होंने लेजिस्लेशन जहाँ पे नहीं है उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए कानून बनाए, आप धरने दे के बैठ गए कि जी कानून बनाए आप लोग, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप लोग हैं और हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एक्सेसिबिलिटी का ये इशू है ये हल किया जाए. सो प्रेशर ग्रुप जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं दुनिया में, तरक्की पज़ीर ममालिक में भी, तो बहुत बड़े बड़े काम जो है वो उन्होंने इस लिहाज से जो किए हैं. सो और जो घर की जो कम्यूनिटी, आप लोग के जो पेरेंट्स हैं, जो कम्युनिटी के इर्द गिर्द लोग हैं, मतलब सिर्फ उसमें हर एक की कलेक्टिव एफर्ट है ना ये, मतलब अगर आप कुछ करना चाहेंगे और घर वाले नहीं करने देंगे तो वो भी एक इशू है. सो हर सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम ये है कि जैसे पुरानी लड़की में जी अच्छा वुमेन विद डिसेबिलिटी, घर वाले कहते नहीं नहीं घर से बाहर नहीं निकलना, आप लोग का ग्रुप जाएगा पेरेंट्स को समझाएगा कि नहीं ये ज़रूरी है, इससे अपने पाँव पर खड़ा होना है, इससे खुद कमाना है, इससे आगे बढ़ना है. ठीक है, वो चीज़ जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो है ये काम है. और आगे अगेन और नेक्स्ट टाइम मैं चाह रही हूँ कि जब हम इंशाल्लाह मिलेंगे
हमारे पास लिस्ट होगी आज सारी वेमेन विद डिसेबिलिटीज़ की यहाँ पे, और उसमें कॉलम्स बने होंगे आगे, ठीक है, कि ये रिक्वेस्ट आई थी इन सब की तरफ से, और हमारी तरफ से कि ये रिक्वेस्ट हमने कब पूरी की, अगर उनको लोन चाहिए तो हमने कितने अरसे में लोन प्रोवाइड किया, अगर उन्होंने पढ़ना है आगे तो हमने कितने अरसे में स्कॉलरशिप्स दी उनको, ये हमारा काम है। आगे असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अगले सेशन में बात करूंगी, लेकिन ये कि आप लोगों को अगर व्हीलचेयर्स, हेयरिंग एड्स, वॉकिंग एड्स और बहुत सी नई चीज़ें आ गई हैं अभी, अगर अपने आप को, बिकॉज इसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं है ना, एक व्हीलचेयर के बगैर आप कहीं नहीं आगे जा सकते, हेयरिंग एड आले के बगैर कुछ नहीं सुन सकते, विजुअल जो आँखों से नहीं देख सकते उनके लिए आपको व्हाइट केन की, सो दीज आर द थिंग्स कि ये आपको सबसे पहले चाहिए। तो पहले आप लोगों को मोबाइल करके यानी ये कि चला के उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज देके, सो अभी हम लोग अगेन आई वुड से ये नॉर्मल सेशन नहीं है, आप आए और आप हमने रमादा में मीटिंग की और हम वापस चले गए, नो, हमें इसका आउटकम चाहिए, हमें इसका चाहिए कि हमने क्या पाया इससे। तो आप लोग सोचें अभी कि उस लिस्ट में जिसको कर्जे चाहिए, सॉफ्ट लोन्स चाहिए, प्लीज़ सोचें अभी, बल्कि हम थोड़ा ग्रुप बना के आपकी एक, हम ये भी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप लोग ज़्यादा ये प्लीज़ एक सेशन आप ये रख लें तकरीबन एक घंटे का, जिसमें इनके ग्रुप्स बनाएं आप डिस्ट्रिक्ट वाइज, एंड देन दे शुड थिंक व्हाट दे वांट, इनको क्या चाहिए, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हाँ, और फिर उसमें से एक जो खातून है वो प्रेजेंट करेगी कि जी ये हमारे ग्रुप ने डिस्कशन की है, ये हमारे हालात हैं, ये हमें मौके हासिल हैं और ये हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी हमारे पास आ जाएगी कि एटलीस्ट हमें पता हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ट्रेनिंग की है, बट अगला क्या स्टेप है, अगर हम अगला स्टेप नहीं लेते हैं तो वो ट्रेनिंग बेकार है फिर, सो वी नीड टू टेक दैट फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेप कि आगे हमने अभी आप लोगों को करके, आई वॉन्ट कि हर वेमेन विद डिसबिलिटी जो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त वो एम्पावर हो, अपने खुद कमाए और खुद पाँव पे खड़ी हो, चाहे वो तालीमी लिहाज से हो, चाहे वो माशी लिहाज से हो, लेकिन वो एक मजबूत, और ये मजबूती उसी से आती है जब कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसी से आती है जब आपके पास कुछ हुनर है और आप कुछ कर सकते हैं। सो आई थिंक ये वाली जो एक्टिविटी होगी हमारी, ये काफ़ी पॉजिटिव एक्टिविटी होगी जिसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। मैं बोलना चाहूँ तो मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, एंड आई लव यू ऑल। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ ڈاکٹر مریم ملک صاحبہ ڈاکٹر اظہار ہاشمی صاحب اعجاز شاہ صاحب محترمہ زاہدہ قریش صاحب اور محترم خواتین و حضرات السلام علیکم یہاں پر ویسے آج تو جو تشریف لانا تھا وہ ایم ڈی بیت المال ہمارے اون عباس بپی صاحب نے تشریف لے کر آنا تھا لیکن وہ پری آکوپائڈ تھے اپنا کوئی اسکیڈول ان کا اس طرح کا ٹائٹ تھا کہ آلریڈی وہ ڈیٹس دے چکے تھے کچھ ڈائریکٹرز کی ہماری میٹنگ تھی بہت امپورٹنٹ پورے پاکستان سے آنا تھا ڈائریکٹرز نے اور وہ وہاں آ چکے تھے ایک دو دن پہلے سے ہی تو اس وجہ سے مشکل تھا ان کے لیے کہ اس میٹنگ کو اسکپ کرتے اور یہاں پر وہ آتے لہٰذا انہوں نے مجھے خاص طور پہ ہدایت کی تھی کہ آپ نے جا کر جو ہے وہاں پر پاکستان بیت المال کی نمائندگی کرنی ہے میں مشکور ہوں زاہدہ قریش صاحبہ کا اور اظہار ہاشمی صاحب کا اعجاز شاہ صاحب کا میڈم ڈاکٹر مریم ملک صاحبہ کا کہ انہوں نے اتنے امپورٹنٹ اوکیزن کے اوپر اتنے اہم اس کے اوپر ان بچیوں کے ساتھ ان میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ مجھے انٹریکشن کا تھوڑا سا موقع ملا ہے میں آپ کی نظر سب سے پہلے ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عورت ہوں مگر صورت کوہسار کھڑی ہوں عورت ہوں مگر صورت کوہسار کھڑی ہوں ایک سچ کے تحفظ کے لیے سب سے لڑی ہوں پاکستان بیت المال کے حوالے سے میں تھوڑا سا میسج یہاں پر دینا چاہوں گا کہ پاکستان بیت المال اس وقت مختلف پروجیکٹس کے اندر کام کر رہے ہیں اس میں بیسک جو مین فوکسڈ ہے وہ ہے ہمارا ہیلتھ سیکٹر تو آپ کا بھی جو یہ پرابلم ہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے
हम लोग हाईली फोकस्ड हैं इसके ऊपर. उसके बाद है सेकंड के ऊपर आती है हमारी प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन की है. इसके अलावा हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स चल रहे हैं. मैं इसलिए यहाँ पर ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जब जाएंगे अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने टेरिटरीज़ के अंदर, अपने सिटीज़ के अंदर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएँ, तो आप वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज पाकिस्तान बैतुल माल के मौजूद हैं. वहाँ पर आप जाकर लोगों को गाइड भी कीजिए और बताइए कि पाकिस्तान बैतुल माल जो है वो इन इन सेक्टर्स के अंदर, इन इन डिपार्टमेंट्स के अंदर सर्विसेज दे रहा है. वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स मौजूद हैं तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं. इसके अलावा हम मजीद भी उसमें खोलने जा रहे हैं. और उसके अंदर जो है उनको सिलाई कढ़ाई, स्टिचिंग, नेटिंग, कटिंग, कंप्यूटर साइंसेस के छोटे बेसिक्स जो है, ब्यूटिशनिस्ट का कोर्स, ये इस तरह के जो कि आपको रोज़गार प्रोवाइड कर सकें, इस तरह के कोर्सेज वहाँ पर करवाए जा रहे हैं. इसके अलावा हमारे SRCL है, स्कूल फॉर रिहेबिलिटेशन चाइल्ड लेबर, जो बच्चे मजदूर हैं हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को मोटिवेट करते हैं, उनको कुछ थोड़ा सा स्टाइपेंड देते हैं. जो वो ये कहते हैं कि ये बच्चा तो हमारी इतनी अर्निंग का बायस है, तो हम लोग वो कोशिश करते हैं कि वो उसको देकर और उनसे ले लिया जाए. और वो बच्चे को सिर्फ ये होता है कि वो डे स्कॉलर के तौर पर स्कूल में आता है, अपनी एजुकेशन हासिल करता है, उसके बाद वो जिस मजदूरी पर जाना चाहता है या माँ बाप उससे जो भी काम करवाना चाहते हैं तो वो करते हैं. इसके अलावा हमारे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इस वक्त जो है वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, वो है ऑर्फेनेजेस. पहले वो स्वीट होम के नाम से थे, अब वो दारुल एहसास के नाम से हम वो खोल रहे हैं. उसके अंदर डॉक्टर इजहार साहब हमें मुसलसल जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू सर, पर्सनली भी और ऑफिशियली भी आपका ग्रेटफुल है कि ये तमाम मीटिंग्स के अंदर बनफ्से नफीस खुद तशरीफ़ लेकर आते हैं और इतना ज़्यादा बेहतरीन इनपुट हमें वहाँ से मिलता है. जो 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 कॉर्नर्स हम मिस कर जाते थे या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें, क्योंकि हम लोग ले मैन हैं, वी डोंट नो इवन द ABC ऑफ ये ऑर्फेनेजेस के, तो डॉक्टर साहब जैसी शख्सियात वहाँ पर हमारे पास मौजूद होती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आकर हमें वहाँ पर गाइड करते हैं, बताते हैं. और ये आपको बताता चलूं कि ये अब ऑर्फेनेजेस और ये तमाम जो है इस वक्त भी जो डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो बेसिकली हमारे इन्हीं तमाम सेक्टर्स को कवर करने के लिए MD साहब इस वक्त उसको चेयर कर रहे हैं वहाँ पर. इसमें इंशाल्लाह इसके बाद ये बोर्ड में जाएगी, फिर गवर्नमेंट लेवल पर जाएगी, फिर जो जो भी हम आप लोगों के लिए सर्विसेज दे सकेंगे वो देंगे. और मैं आखिर में जो है एक छोटी सी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा. जैसे डॉक्टर मरियम साहिबा ने और इजहार साहब ने फरमाया था और जायदा बहन ने कहा था कि इस दुनिया में आने का हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है और होना भी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. मुझे याद है जायदा कुरैशी, मुझे अपना भी याद है कि मैं इसी तरीके से लास्ट उस चेयर के अंदर बैठा होता था और उधर से इधर तक का सफ़र गो उसमें टाइम लगा है, ये इतना कठिन और इतना मुश्किल नहीं है. अगर आप कमिट कर लें, अपने आप से कमिट कर लें और सिंसेरिटी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, ऑनेस्टी के साथ अगर आप अपना सफ़र इख्तियार कर लें तो वहाँ से यहाँ तक स्टेज तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा करता और ज़्यादा अरसा नहीं लगा करता. हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो अपनी ज़िंदगी गुजार कर चला जाएगा. जानवर भी आते हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हैं. इंसान भी आते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हैं. ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आया कौन सी लेगेसी आप छोड़ कर जाना चाहते हैं इस दुनिया के अंदर. क्या आप हलाकू खान वाली लेगेसी छोड़ कर जाना चाहते हैं? तारीख में वो भी ज़िंदा है, बट जिन अल्फाज के साथ ज़िंदा है वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ. क्या आप चंगेज़ खान वाली लेगेसी छोड़ कर जाना चाहते हैं? क्या आप हिटलर वाली लेगेसी छोड़ कर जाना चाहते हैं? या आप सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी वाली लेगेसी छोड़ कर जाना चाहते हैं? या आप टीपू सुल्तान वाली लेगेसी छोड़ कर जाना चाहते हैं? हैदर अली वाली छोड़ कर जाना चाहते हैं? तहरीक आज़ादी के जो स्टार्स हैं हमारे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायदे आजम, इवन के अब आपके मौजूदा इराक का जो बहुत बड़ा हीरो था अब्दुल सत्तार ईदी, क्या आप ये वाली लेगेसी छोड़ कर जाना चाहते हैं? ये आपने फैसला करना है. क्या आप डॉक्टर मरीम वाली लेगेसी छोड़ कर जाना चाहते हैं कि जिन्होंने, जिनके दिल में दर्द था और उन्होंने, जैसे जायदा बहन ने बताया कि उन्होंने फोकस किया इस जनूबी पंजाब को, ये हमारा डिप्राइव्ड एरिया था. बींग सन ऑफ द सॉइल, डॉक्टर साहब आपका और डॉक्टर इजहार साहब आपके और एजाज साहब आपके हम लोग मशहूर हैं कि आपने हमारी सरपरस्ती की हुई है इस इलाके की और यहाँ पर आप लोगों ने सोचा इसके बारे में. आप काबिल सताइश भी हैं और काबिल तौसीफ भी हैं. डॉक्टर इजहार साहब वाली लेगेसी छोड़ कर जाना चाहते हैं, जायदा कुरैशी वाली या एजाज शाह वाली, ये आपने फैसला करना है. मैंने अपना फैसला कर लिया था, आपने फैसला करना है कि कौन सी लेगेसी छोड़ कर जाना चाहते. थैंक यू वेरी मच. मैं इंतहाई मशहूर हूँ इस आज की तकरीब के मुंतज़मीन का, जिन्होंने मुझे यहाँ शिरकत की दावत दी. और मैंने जो देखा
محسوس کیا وہ واقعی قابل تحسین ہے. خاص طور پر وہ محکمے, وہ تنظیمیں, وہ ادارے, وہ افراد جو معاشرے کے ان خاص ممبران کی خدمت کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بھی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے مختلف اضلاع کی وہ خواتین جو کسی بھی وجہ سے, کسی بھی فیکٹر سے, کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں, ان کو معاشرے کا ایک متحرک, ایک فعال رکن بنانا, ان کو سیلف رسپیکٹ کے ساتھ معاشرے کا ایک مفید شہری بنانا, اس کے مطابق ان کی ٹریننگ کرنا, ان کو امپاور کرنا, ان کو انیبل کرنا, یہ صرف سوشل سروس نہیں, یہ انتہائی قابل ذکر عبادت ہے. اور وہ لوگ جو اس میں شامل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کی تعریف اور تحسین کے مستحق ہیں. پوری دنیا میں خاص طور پر جو ہمیں ترقی یافتہ ممالک, مہذب معاشرے, مہذب قومیں, وہاں اپنے معاشرے کے اسپیشل افراد کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, ان کے لیے علیحدہ قوانین ہیں اور ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے معاشرے میں نارمل زندگی گزارے, چاہے وہ ریمپس ہوں, چاہے بسیز یا ٹرین میں ان کی اسپیشل سیٹیں ہوں, ان کی اسپیشل پارکنگ ہو, ان کے لیے تعلیم اور روزگار کے اسپیشل مواقع ہوں. ہمیں خیال میں اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں بھی ہمیں ہر سطح پہ پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معاشرے کے ان خاص افراد کے لیے وہ مواقع پیدا کریں جس سے یہ کسی بھی قسم کے احساس محرومی سے ہٹ کے معاشرے کا ایک مفید اور اسی طرح کا ایک ایکول ممبر بن سکیں جس طرح کے باقی سب لوگ ہیں. میں یہاں پر جو موجود اسپیشل پرسن ہیں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نقص رکھا ہو, یہ اس کے اپنے راز ہیں, اس کی حکمتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا ہیں, لیکن اس کی ایک صفت ہے کہ وہ عادل ہے, وہ عدل کرتا ہے, اور وہ جہاں ایک دروازہ بند کرتا ہے وہاں سات دروازے کھول دیتا ہے. اس یقین اور ایمان کے ساتھ آپ کو, ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ یہ سب لوگ معاشرے میں بھرپور زندگی گزار سکیں, کسی محرومی سے, کسی احساس کمتری سے, کسی ڈیفیشنسی سے ہٹ کے. اس میں حکومت کا بہت اہم کردار ہے, جیسے ڈاکٹر مریم ملک صاحبہ نے کہا کہ موجودہ حکومت پوری طرح سے کمیٹڈ ہے اس پرپس سے کہ ان افراد کے لیے بہترین مواقع پیدا کیے جائیں. ملتان ڈویژن کی حد تک میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ڈبلیو ایچ او کے ساتھ یہاں کی وہ تنظیمیں, وہ ادارے, وہ افراد, وہ این جی اوز جو ان افراد کی خدمت اور فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, اور وہ سرکاری ادارے جن کا یہ فنکشن ہے, جن کی یہ ڈیوٹی ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, ان سب کو اکٹھا کر کے کوشش کریں گے کہ اس کار خیر کا آغاز ملتان ڈویژن سے کریں, اور ہم اپنی بھی پوری کوشش کریں کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ہم بھی معاشرے کے اسی طرح سے ایک نارمل ممبر ہیں جس طرح سے باقی سب لوگ ہیں, اور ہمیں بھی زندگی گزارنے کے وہ تمام مواقع میسر ہیں جو دیگر لوگوں کو ہیں. اس طرح کے افراد کی خدمت کرنا, اللہ کے ان خاص بندوں سے پیار کرنا, ان کو زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, یہ بہت ہی قابل تحسین خدمت ہے. اور میں ایک بار پھر ان تمام افراد کا, ان این جی اوز کا, ان اداروں کا, ڈبلیو ایچ او کا, ڈاکٹر مریم کا, ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹ کا جو مل کے کوشش کر رہے ہیں ان افراد کے لیے, اللہ کے ان خاص افراد کے لیے
مشکور ہوں اور انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کوشش کو جاری و ساری رکھیں گے کیونکہ یہ ہمارا اخلاقی مذہبی اور سرکاری فریضہ ہے. تو میں ایک بار پھر اس تقریب کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس ایک شعر کے ساتھ جو آپ کی اس خدمت کے ساتھ بڑا ریلیونٹ ہے اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بہت بہت شکریہ.